मॉर्निंग एवरी वन, नाउ आई एम स्टार्टिंग द टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। ये आते हैं एग्ज़ाम में, पूछा जाता है हमसे 7 मार्क्स में भी कि वॉट इज़ प्लानिंग। तो हम प्लानिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? सो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से। तो दीज आर 8 ऑब्जेक्टिव्स इन प्लानिंग। प्लानिंग हेल्प अस डायरेक्ट हेल्प इन इफेक्टिव फोरकास्टिंग, फर्स्ट वन इज़। एंड सेकेंड, इट प्रोवाइड सर्टेनिटी इन एक्टिविटी, मतलब एक अच्छी एक्टिविटी के लिए प्लानिंग हम इम्पॉर्टेंट होती है। प्रोवाइड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, एक परफेक्ट स्टैंडर्ड देता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। इट प्रोवाइड स्पेसिफिक डायरेक्शन, मतलब हमको डायरेक्ट करता है एक टुवर्ड्स द वन डायरेक्शन, कि भाई हमें एक ही गोल करना है। दूसरा कर लेंगे तो फिर मतलब दो गोल कैसे हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में? एक ही गोल होता है, वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बस इट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू ट्यून विद द एनवायरनमेंट। भाई एनवायरनमेंट के साथ भी तो कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, भाई एनवायरनमेंट को भी साथ में लेके चलना पड़ता है। सो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं, हमारे एथिक्स जो होते हैं, वो इसमें आ जाते हैं कि हम अगर काम अच्छा करेंगे तो फिर नाम होगा ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। अगर उन्हीं को फ्रॉड माल बेचेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा? सो उसके बाद इट प्रोवाइड इकोनॉमी इन मैनेजमेंट। अब इकोनॉमी कैसे प्रोवाइड करता है? इकोनॉमी ऐसे प्रोवाइड करता है जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होता है। भाई ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स जब होगा तभी तो फिर अच्छा आउटकम मिलेगा हमें, तभी तो परफॉर्मेंस जो है वो हमारी इंक्रीज होगी, इनहेंस होगी। इट हेल्प इन प्रिपेयरिंग द बजट। हाँ, हमारे बजट को ये कम कर देता है, कॉस्ट को कम करता है, बजट को मतलब बैलेंस कर देता है। ये ज़्यादा हमारा कुछ खर्चा नहीं होता है इससे। और बस इट डायरेक्टेड टुवर्ड एफिशिएंसी, इट डायरेक्टेस टुवर्ड्स एफिशिएंसी। हाँ भाई, ये हमारे एक अच्छा पाथ होता है एफिशिएंसी की टुवर्ड्स। एफिशिएंसी क्या हो गई? एनर्जी हो गई। एक एनर्जी मान लीजिए, आप अच्छा खाएंगे तभी तो एनर्जी आएगी, बिना खाए एनर्जी आ जाएगी। तो इसमें भी यही है, एक अच्छी प्लानिंग काफ़ी है एक अच्छे आउटकम के लिए और प्रॉफिट के लिए। सो फर्स्ट वन इज प्लानिंग हेल्प इन इफेक्टिव फोरकास्टिंग। प्लानिंग हेल्प्स इन इफेक्टिव फोरकास्टिंग बाय मेकिंग वैल्यूएबल डिसीजन। अब भी डायरेक्शन जो होता है, डिसीजन जो होता है हमारा, डिसीजन अगर अच्छा होगा तभी तो हमें वैल्यूएबल आउटकम मिलेगा। बिना डिसीजन के कैसे हमें मिल जाएगा भाई? डिसीजन अगर अच्छा लेंगे, एक्सपर्ट की एडवाइस लेंगे हम, तभी हमारा डिसीजन अच्छा होगा। और फोकास्ट करेंगे, मतलब डिसाइडिंग इन एडवांस में ही हम उसको डिसाइड करेंगे और एक अल्टरनेटिव चूज करके रखेंगे कि अगर हमारा ये जो डिसीजन है फेल हो जाता है किसी भी तरह से, तो फिर हमारे पास एक नेक्स्ट जो होगा ना, दूसरा जो हम डिसीजन लेंगे उसको हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन द एक्शन, डिसाइडिंग द एक्शन विच इज फोकास्ट द गुड गोल्स। इसमें हम क्या करते हैं, इस पॉइंट में हम करते हैं डिसाइडिंग द एक्शन जो कि फोकास्ट करता है गोल्स को, ठीक है ना। उसके बाद प्लानिंग प्रोवाइड सर्टेनिटी इन एक्टिविटीज। अब भाई सर्टेनिटी, एक्टिविटीज़ भी हमारी एक सर्टेन होनी चाहिए ना, अच्छी होनी चाहिए एक्टिव जो प्लान हम करेंगे, जो मतलब प्लान एक डिसीजन जो हम लेंगे वो एक अच्छा होना चाहिए। वैल्यू मतलब एक अच्छा होना चाहिए, मतलब इवेल्युएट होना चाहिए, मतलब एक जो हम डिसीजन ले रहे हैं उसके बारे में सारी नॉलेज हमें होनी चाहिए, तभी तो हम अप्लाई करेंगे, तभी तो उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे प्लानिंग प्रोसेस में, ऑब्जेक्टिव में। तो प्लानिंग योर वर्क, हम प्लान करते हैं अपने वर्क को, इंश्योर करते हैं और गिव अ फ्रेमवर्क इन द प्ले, और मॉनिटर करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं अपने वर्क को बाय द प्लानिंग से, ठीक है ना। इट हेल्प कीप एम्प्लॉय ऑन ट्रैक फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द टास्क, मेक हेल्थी एंड सेफ्टी अ प्रायोरिटी। तो हम एक एम्प्लॉय को भी एक डायरेक्शन और ट्रैक पर लेकर जाते हैं, एक राइट पाथ पर देते हैं और राइट पाथ फॉर कम्युनिकेशन, जिससे वो बात कर सकता है। भाई प्लानिंग अच्छी होगी, सारे अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज़ होंगे, स्किल्स के बेसिस पे हम एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करेंगे, तो भाई अब कम्युनिकेशन भी अच्छी हो जाएगी। तो फिर डायरेक्ट सर्टेनिटी को, एक्टिविटीज़ को ये सर्टेन करता है, ठीक है। प्रोवाइड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अब परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को कैसे प्रोवाइड करेगा? परफॉर्मेंस प्लानिंग रेफर टू आइडेंटिफिकेशन द गोल्स। गोल्स को आइडेंटिफाई करते हैं फॉर इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फॉर द बेस्ट वे टू अचीव गोल्स, जिससे हमारा एक अच्छा वे हमें मिलता है, मेथड मिल जाता है इससे हमें, एक मतलब है स्टेप बाय स्टेप उसको हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं गोल्स को बाय टेकिंग दिस स्टेप्स, ठीक है। परफॉर्मेंस प्लानिंग स्टैंडर्ड आर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम स्टैंडर्ड टारगेट एंड गोल टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस। जो मतलब मेल प्रैक्टिस होती है ना, मतलब गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो ये इसको अवॉइड करता है, बस इसका ये होता है फंक्शन। प्रोवाइड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड दे रहा है कि हम ये इस पाथ पे चलेंगे, और बेस्ट वे देता है टू अचीवमेंट ऑफ गोल्स, ठीक है। इट प्रोवाइड अ स्पेसिफिक डायरेक्शन,
प्लानिंग इन्वॉल्व्स स्टेटिंग इन एडवांस, भाई पहले से ही एडवांस में हम प्लान करते हैं कि वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू रीच। ये इसके बीच का एक ब्रिज मान लीजिए आप, कि हम अभी कहाँ पर हैं और कहाँ पहुँचना चाहते हैं, कौन सा गोल अचीव करना चाहते हैं, उसके बीच का एक ब्रिज मान लीजिए आप। तो प्लानिंग इन्वॉल्व स्टेटिंग इन एडवांस दैट वॉट आर द वेज टू अचीव द कॉमन गोल्स, मतलब कौन कौन से ऐसे वेज और मैथड हो सकते हैं अचीव करने के लिए, गोल्स को पाने के लिए, ठीक है। प्रोवाइड डायरेक्शन टू एम्प्लॉयज, और एम्प्लॉयज़ को भी एक डायरेक्शन देता है, एंड डिपार्टमेंट्स टू वर्किंग, और कोऑर्डिनेशन में वर्क करेंगे ना, तभी तो कैसे होगा। अब मैंने कुछ ऑर्डर दिया, उसने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर ये कोऑर्डिनेशन कहाँ हुई, ये तो टोटली मतलब कन्फ्लिक्ट हो गई है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन का मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होती है कोऑर्डिनेशन, तभी हम गोल को अचीव कर लेंगे। और कोऑर्डिनेशन कैसे आएगी, कोऑर्डिनेशन ऐसे आएगी जब हम सही पर्सन को, मतलब राइट अपॉइंट अ राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब एट द राइट टाइम, ठीक है ना। एक अच्छे बंदे को अगर एम्प्लॉयड करेंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे उसको, तो फिर उसी से होगा हमारा स्पेसिफिक डायरेक्शन को, ठीक है। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू ट्यून विद एनवायरमेंट, अभी जो मैंने बताया आपको, एनवायरमेंट इज द मेन सोर्स, यही तो सबसे अच्छा सोर्स होता है एनवायरमेंट, और वैल्यूएबल आउटकम जिससे हमें मिलता है, तो फॉर द सक्सेसफुल बिजनेस, सो इन विच फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग टू कैरी आउट लैंड डेवलपमेंट विद कंसिडरेशन गिवन टू द नेचर एनवायरमेंट, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एंड गवर्नमेंस फैक्टर, एंड प्रोवाइड अ होलिस्टिक फ्रेमवर्क टू वर्क टू अचीव सस्टेनेबल एंड आउटकम और वैल्यूएबल आउटकम। अब पूरा एक डेवलपमेंट होना चाहिए भाई, इकोनॉमिक से पॉलिटिकली सारा हमारा एक अच्छे से होना चाहिए, तभी हम इसको अचीव कर सकते हैं और एक अच्छा प्लान बना सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो प्लानिंग प्रोवाइड क्या करता है, इकोनॉमी इन मैनेजमेंट, वही जो मैंने बताया, और फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, जब रिसोर्स अपना अच्छा बना होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब मैं जब अच्छा एक बनाऊँगा, अच्छा प्रोडक्ट बनाऊँगा, तो अगर वो यूटिलाइजेशन हो रहा है उसका, उसको लोग खरीद रहे हैं, तो भाई ठीक है, अब नहीं खरीद रहे हैं तो वर फेल हो गया ना प्लान मेरा, जो मैंने प्लान बनाया था वो फेल हो गया, तो कहाँ हुआ आउटकम। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स विद एफिशिएंटली, दिस इज द मोस्ट एसेंशियल फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, दैट्स बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स विद इन द कंट्री एंड इफ देयर इज अ स्लैक यूटिलाइजेशन। अभी स्लैक मतलब वही, अगर अच्छा यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो फिर कैसे अचीव करेंगे, अफेक्ट कर जाएगा ये इकोनॉमी को, इकोनॉमी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ऑर्गेनाइजेशन भी फेल हो जाएगी, और अपने गोल्स को क्या करेंगे, फेल हो जाएंगे हमारे गोल्स, अचीव नहीं कर पाएंगे। तो बस ये होता है इसमें। प्लानिंग हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग द बजट, अब भाई बजट भी बनाता है ये, बजट अलाउ टू क्रिएट अ स्पेंडिंग प्लान, भाई एक बजट के अंडर ही तो हम प्लान बनाएंगे ना, तो प्लान हमें क्या करता है, डिसाइड करता है बजट के अकॉर्डिंग, जितना बजट है उसके अकॉर्डिंग ही तो प्लान, उसके अकॉर्डिंग फैसिलिटीज देंगे सारे प्रोडक्ट में और मटेरियल लाएंगे, ये सारा हो जाता है इसके अंदर। डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट द कॉस्ट व्हिच द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू स्पेंड ऑन प्रोजेक्ट, ये समझ लो एक कॉस्ट को एडवांस में डिसाइड कर देते हैं हम पहले से ही इसका प्लान बना लेंगे कि कितनी कॉस्ट होगी वो स्पेंड होगी इस प्रोजेक्ट पर, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो ठीक है, प्लानिंग लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लानिंग डायरेक्ट अस टुवर्ड्स एफिशिएंसी, भाई हमें डायरेक्ट करता है, एक अच्छा एक पाथ देता है, हमारे पास एक अच्छा पाथ होगा भाई तभी तो तुम अचीव कर लोगे, बिना पाथ के कैसे अचीव कर लोगे। माता पिता घर में है वो एक पाथ देते हैं आप सब जिससे आप भाई अपनी राह पर चलते हैं, तो ऐसे ही इसमें होता है, प्लानिंग भी एक पाथ देता है हमें, ऑर्गेनाइजेशन की मदर मान लीजिए इसको आप, ये हमें देता है एक पाथ जिससे हम एफिशिएंसी को मतलब अचीव करते हैं, एफिशिएंसी एक मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ मतलब मैक्सिमम पावर के साथ गोल्स को अचीव करते हैं विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड गिव प्रोवाइडिंग एक अच्छा सा मतलब एक टास्क देते हैं सबको, एम्प्लॉयज़ को अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंस स्किल्स, जिसकी जैसी क्वालिटी होती है उसके अकॉर्डिंग हम देंगे उसको। तो प्लानिंग इज द मेन प्रमाइजेस फॉर ऑल द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, प्रमाइजेस क्या होता है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उन सारी चीज़ों को इसमें इन्वॉल्व करना और साथ में लाना जो कि इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एक नी होती है, प्लानिंग जो होती है ना एक नी होती है, नी मतलब घर बनाते हैं तो उसके लिए एक नी चाहिए होती है ना, उस पर अगर नी अच्छी होगी तो हमारा घर बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा मतलब कभी भी ख़राब नहीं होगा, नीचे से अच्छा होगा। ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक ये प्लानिंग जो है एक नी की तरह वर्क करती है जिससे हम गोल्स को अचीव करते हैं। ओके, नाउ ये सब कंप्लीट हो गया है अपना टॉपिक।
ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, इसमें आप लिख सकते हैं प्लानिंग। अगर क्वेश्चन आता है 7 या 14 मार्क्स में तो आप ये सारा लिख सकते हैं उसके अंदर, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एक प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिख दीजिए। थैंक यू वेरी मच।